आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। आवर क्वेश्चन इज 10 पीपल ए बी सी डी ई डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर अपीयर फॉर द सेम एग्जाम इन वन ऑफ द ईयर। इन ईच ईयर दिस पीपल अपीयर्ड इन आइदर मार्च और सितंबर विद ओनली वन पर्सन हैविंग एन एग्जाम इन अ मंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। क्वेश्चन में हमें 10 पर्सन गिवन है, अपीयर करते एग्जाम डिफरेंट ईयर में एंड हमें 2 मंथ्स गिवन है, मार्च एंड सितंबर। लिख लेते हैं ईयर, मंथ एंड पर्सन। ईयर है यहाँ पे 1988, मंथ है यहाँ पे सेम रहेंगे मार्च एंड सितंबर, बस ईयर ही चेंज होगा 1993 मार्च एंड सितंबर, 1996 मार्च एंड सितंबर, 2001 मार्च एंड सितंबर, 2008 मार्च एंड सितंबर। नाउ अरेंजमेंट देखते हैं। से हैड द एग्जाम इन सितंबर 1993। सी का एग्जाम होता है, ईयर है 1993 सितंबर में। ओनली वन पर्सन हैड एग्जाम बिटवीन सी एंड वाई। सी एंड वाई के बिटवीन ओनली वन पर्सन होगा। यहाँ पे अपवर्ड में देखते हैं वन पर्सन हो गया एंड डाउनवर्ड में देखिए वन पर्सन आ गया पे वाई की पोजीशन है। फिर यहाँ पे एस मैनी पीपल हैड एग्जाम आफ्टर वाई एस बिफोर बी। वाई के बाद जितने पीपल होंगे उतने होंगे वी से पहले, तो इस वाई के अकॉर्डिंग चेक करते हैं 1 2 3 4। वाई के बाद 4 पर्सन होंगे सेम ऐसे ही, वी से पहले 4 पर्सन होने चाहिए 1 2 3 4। वी की पोजीशन आ गई फिर यहाँ पे एंड इस वाई के अकॉर्डिंग चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पर्सन है वाई के बाद, वी से पहले 8 पर्सन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। वी की पोजीशन आ गई फिर यहाँ पे, वी के यहाँ 2 केसेस पॉसिबल है। ओनली 3 पीपल हैड एग्जाम बिटवीन एक्स एंड डी। एक्स एंड डी के बिटवीन यहाँ 3 पर्सन का गैप होगा, ठीक है। एक्स का एग्जाम यहाँ पे डी से पहले होगा एंड मार्च में नहीं होगा एक्स का एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखे अगर यहाँ पे मार्च है तो यहाँ पे एक्स का एग्जाम नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकते क्योंकि अभी मार्च का मंथ आ गया। एंड यहाँ पे देखे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वी है, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता, मार्च में नहीं होगा। इसका मतलब अब अगर यहाँ पे एक्स होता है 3 पर्सन का गैप से 1 2 3, डी की पोजिशन आ गई फिर यहाँ पे एंड अगर यहाँ पे एक्स तो हो नहीं सकता, यहाँ मार्च का मंथ है एंड अगर यहाँ पे एक्स होता है तो यहाँ पे 3 पर्सन का गैप नहीं बन रहा। इसका मतलब और कोई केस पॉसिबल होगा ही नहीं, इसका मतलब एक्स की पोजिशन यहाँ पे करेक्ट है। इसका मतलब फिर वाई नहीं होगा, तो वाई को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड ये पोजिशन होगी डी की। अब वाई की पोजिशन यहाँ पे करेक्ट है एंड वाई के बाद टोटल 8 पर्सन है, तो वी के पहले 8 पर्सन होंगे, डेट मीन्स यहाँ पे वी की पोजिशन ये वाली करेक्ट है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन 4 पीपल हैड एग्जाम बिटवीन डी एंड डब्ल्यू। डी एंड डब्ल्यू के बिटवीन मोर देन 4 पर्सन है। अब डाउनवर्ड में तो केस पॉसिबल होगा नहीं, अपवर्ड में होगा 1 2 3 4, 4 पर्सन का तो गैप हो गया। मोर देन 4 देखना है, तो यहाँ पे देखिए 5 पर्सन गैप आ गया। अब यहाँ पे तो सी है, तो यहाँ डब्ल्यू नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पोजिशन है ये है डब्ल्यू की। डब्ल्यू एंड वाई डिड नॉट हैव एग्जाम इन द सेम ईयर। डब्ल्यू एंड वाई का सेम ईयर एग्जाम नहीं होगा। ओनली 3 पीपल हैड एग्जाम डब्ल्यू एंड बी। डब्ल्यू एंड बी के बीच 2 पर्सन का गैप होगा। अब यहाँ पे देखें 3 पर्सन का गैप है 1 2 3, दैट मींस बी की पोजीशन आ गई फिर यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ए हैड ईस एग्जाम इन वन ऑफ द मंथ बिफोर ई बट इन अ मंथ आफ्टर जेड। जेड के बाद यहाँ पे ए का एग्जाम होता है, इसका मतलब जेड की पोजीशन कहाँ पे होगी, जेड की पोजीशन है यहाँ पे, जेड के बाद यहाँ पे ए का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। एंड ई से पहले हो रहा है ए का एग्जाम, इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो होगी ई की। हमने सबको अरेंज कर लिया। हाँ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में है ई हैड द एग्जाम बिफोर एक्स। ई का एग्जाम यहाँ पे देखें एक्स से पहले हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स के बाद हो रहा है, फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग है। सेकेंड है सी एंड ए हैड एग्जाम इन द सेम ईयर। सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम ईयर में तो एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट ईयर है, सेकेंड भी यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड है वाई हैड एग्जाम इन 1996। वाई का एग्जाम कब हो रहा है, 1996 में, तो यहाँ पे हम देखें 1988 में हो रहा है, थर्ड भी यहाँ पे रॉन्ग है। नाउ फोर्थ है जेड हैड द एग्जाम बिफोर ऑल अदर। जेड का एग्जाम यहाँ सबसे पहले हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जेड का एग्जाम यहाँ सबसे पहले ही हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। हमें ये फाइंड आउट करना था ऑप्शन 4। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।